भाजपा के जिला महामंत्री एवं एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनावों के दौरान जारी दृष्टि पत्र को अपना नीतिगत दस्तावेज बनाया है और इसी के अनुसार चरणबद्ध तरीके से हर बिंदु को अक्षरक्ष लागू किया गया है। पिछले डेढ़ वर्ष में भी अधिकतर वायदों को सरकार पूरा करने में सफल रही है, लेकिन विधायक राजेंद्र राणा को दृष्टि दोष के चलते भाजपा दृष्टि पत्र लागू होता नहीं दिख रहा है। वर्तमान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उस दृष्टि पत्र को अक्षरशः लागू कर रही है, लेकिन दृष्टि दोष के चलते श्री राजेंद्र राणा को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं माननीय राजेंद्र राणा जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि उनके समय में सरकार जो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वायदा करके सत्ता में आई, उसने प्रदेश में कितने नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाया। मुझे लगता है कि राजेंद्र राणा जी का स्वभाव बन चुका है झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का। अब जनता उनकी असलियत को समझ चुकी है और उन्हें ये स्वभाव अब छोड़ देना चाहिए।